नमस्कार जिला आर्तुराज 3 PM को स्वागत करुछि माथुरी प्रथमे हेडलाइंस देवेश को जवाब माकिले रूपी कुंभार जनसभा रे हटहटा हेले बीजेडी विधायक देवेश आचार्य मुंट नुआईले देवेश से कहले कथा पूछिबे ममिता मेहर हत्या मामला स्टेटस रिपोर्ट दाखल पर राज्य सरकार को निर्देश देले हाईकोर्ट मामलार परवर्ती शुणाणी डिसेंबर 3 तारीख को धार्य मामलार विचार फास्ट ट्रैक कोर्ट रे करिबा पई आवेदन करथिले ममितांक बापा ममिता हत्या मामलार बरसिले लेखाश्री कहले मंत्री दिव्यशंकर काहीकि 21 दिन लुचिथिले केउथिले बारीपदारे काहीकि मंच में बसिले ना दिव्यशंकर मंत्री इस्तफा दे सठिक रेब तदंत राज्य में थमुनी सनसाइन शिक्षयत्री मर्डर ताति ममिता न्याय दाबी में बीजेपी दस्तखत अभियान गृहराष्ट्र मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को मंत्रिमंडल बहिष्कार दाबी बरगढ़ में शवदाह मिलूनी काठ फॉरेस्ट ऑफिस आगे अजणा शव रखी धारणा बरगढ़ स्वेच्छासेवी संगठन निष्ठा परिवार तरफ प्रतिवाद पुणि वज्रकाप्ता चोरा चालाण कंधमाल धरा पड़ा जीवंत वज्रकाप्ता कंधमाल जाकिकिया गाँव एसटीएफ चढ़ाओ दुई अभियुक्त अटक आसो संपूर्ण खबर को देवेश को जवाब मागिले रूबी कुंभार जनसभा रे हटहटाले बीजेडी विधायक देवेश आचार्य रूबी को प्रश्न पणरे खाइला हेले रूबी तेबे न्याय पाई लड़े करुछंती रूबी मुंट नुआईले देवेश से कहिले कथा बुझिबे देवेश को जवाब मागिले रूबी कुंभार जनसभा रे हटहटाले बीजेडी विधायक देवेश आचार्य रूबी प्रश्न बाणरे घाइला हेले देवेश न्याय पाई लड़े करुछंती रूबी सेपटे मुंट नुआईले देवेश कहले कथा बुझिबे ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित मनीष शर्मा रिपोर्टर जोड़े मनीष पूरा घटनाक्रम कौन रही थिला देखंतु जो बहु चर्चित गोविंद कुमार हाजत मृत्यु घटना होता पाखापाखि दुई मास बीतीगला तोरा ग्राम रही से युवक रही थे गोविंद कुमार जो तांको पत्नी रही बारंबार से अभियोग करते जो पुलिस माने तांको मारी चंदी तांको नारे एफआईआर दर्ज करा जाउ तांको नारे 302 रे एफआईआर दर्ज करने सहित डिसमिस सहित तदंत सीबीआई इंक्वायरी से दाबी करते कि कौन प्रकार सुफल पाइन बारंबार आंदोलन कले राजरास्ता को ओल्लैले एसपी ऑफिस घेरव कले जिलापाल पाखक गले कि कहारी पाखरु कोनोसी प्रकार न्याय बा प्रतिश्रुति पाई पारले नाही आज बरगढ़ तोरा ग्राम रे बिजु स्वास्थ्य कार्ड बांटिबा को बरगढ़ विधायक देवेश आचार्य पहुंची थिले एवं सेही समय रे विधायक को पाखा को सीधा सलक रूबी कुमार स्टेज उपर चढ़ी थिले एवं पचारी थिले जे काही कि तांकर ए जो घटना हेतला जो तांकर स्वामी को मृत्यु हेतला हाजत रे मृत्यु हेतला से ताकु ए पर्यंत केस काही कि दर्ज करा जाय नै आमे सीधा सलक आलोचना करबा जेतु रूबी कुमार हमर सहित अछने आमे पचारीबा तांकु मैडम आज विधायक आसी थिले आपन को निके काणा आपन पचराले काणा कहले जे स्टेज ऊपर के चढ़ी गई मुई तांकर इंके जेथिनि हमर एमएलए इंके आज जेथिनि से माने मते नाइ डाकी बाकी तांकर पास के मुई जेथिनि जे कि तांकर कर्तव्य अछि कि मोर पास के आसी थी हमर बड़गड़र विधायक जेतिउ जे से माने हमर घर के आसी कर हमर घर परिस्थिति देखि कर से माने जेथिथि बाकी से माने चिंता नै करले हमर एमएलए पास के मुई जेथिनि तांकर पास के जेथिनि हम तांको पचरानी स्टेट ऊपर चढ़ी कर कि मोर बड़ केस का कर एते दिन गोविंद कुमार केस का कर एतकी दिन रजिस्टर नै हबर बोली कर से कथा तांको पचरानी से माने हमके कहले पर्सनल रूम चलो तेन कथा हमर हमर गुट हमर इटा चली जे प्रोग्राम रे चली जे बोले मैं कहनि तुमर प्रोग्राम बड़ नै से हमर कथा सुनुन प्रोग्राम के अटकौं हमर कथा सुनुन से कहले चलो चलो हमको पर्सनल रूम के नहीं गले से कहले कि तुम्हें 1 कोटी टंका जदि तुम्हें कह आम दे पारू नहीं आउ 20 लाख टंका 10 लाख टंका जदि तुम्हें कहब आम तुमको मंगे दे पारमु आउ कहारे हाथे तो नहीं नी गोटे कोटी टंका तुमके देवे बोलिक से कथा कहले मुझे तुमको कहली मत पैसा दरकार नहीं न मत न्याय दरकार मोर बड़ केस रेजिस्टर नहीं हबार गोविंद कुमार केस रेजिस्टर नहीं हबार जेहतु से मत से कथा तुम दि से तुम्हें कह कि केस रेजिस्टर के मत से कथा तुम्हें कह से कहे सोमवार दिन आसब आम एसपी ऑफिस जीमा से केते दूर के केस गलान काणा हेलान से कथबार्ता डिस्कस हम आ
अगला स्टेप कण है तहु आम से कथार तुम्हें आगे स्टेप नेमा बोलिक से कथ कहले आते बाहर के आसले से कहलु कि तुम्हें जेन भूतरे आमके जेन कथे कहल समाज समस्ते अच्छन आमर तुरा गाँव रस्ते जेहतु तुम कार्ड बाटी हेल्थ कार्ड बाटी आई जे कि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जेहतु आम लगे करें आसीज जे कि दलित समाज मानक यहाँ सहयोग हेबार लगी से आगे टे कह बोलिक कथाटा से कहनु बोले से कहले कि से रजिस्टर हवा नहीं हवा आम कही नपारे बोलिक से कथा कहले से हाथ टेक चलीगले आप कहते जे देवेश आचार्य जितेबाला ये जिते घटना होता से ही समय से उपस्थित थे और कही क्राइम ब्रांच द्वारा तदंत कर गोटे मजिस्ट्रेट द्वारा तदंत कर आम दाबी करूँ किंतु से एपर्त यही दाबी को आप जो कर दाबी से एपर्त आपण पाखक आसी कि आप घर कथा बुझी कि नाई एम एल एत दिन दुई मस हो पची आने घर आसवा नहीं आम कि दलित परिवार केन्ता करी चलुजन केन्ता करी रहुजन बोलिक से दुईटा छुआ केन्ता करी पोषुजे सास ससुर नंद के रोजन बोलिक से कथा भी से सुनिकर से मो ना तक भी नुहे जानते कि से ना गोविंद कुमार और स्त्री ना कण रुबी कुमार बोलिक से मत आज स्टेट में पचारे कि तुम ना कण सेतक भी नहीं भाविक आमको आज देखी भी नुहे आसता कि दुई मस हो गलान आने आमर बर मोर हजबैंड जेन केसटा होता जे कि पचीस तारीख आमर था गांधी चक्र सेनु से माने आसी थिले और कहले कि इथिले चर्चित घटना किंतु जेते बेले कि रूपी कुंभार ये ना न चाणी पा ता सहित गोटे पर्सनल रूम को टाकीबा जेते बेले से लोक प्रतिनिधि लोकों को समस्या बुझिबा पई रहिछंते किंतु से भली समय रे पचारुछंते बा ना तांको अछपा रहिछे बा ना तांको जणा नाही अन्य पटे पर्सनल रूम को डाकुछि ये कोना कुछ गोटे विडंबनार विषय बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शर्मा रिपोर्टर हम सहित जुड़े रहिथिले हसे परवर्ती खबर को ममिता हत्याकांड विवाद मध्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट मागिले हाइकोर्ट दुई दिन पूर्व हाइकोर्ट को द्वारस्थ होते ममिता परिवार सदस्य आ प्रसंग में तदंत केते दूर आगे से नहीं रिपोर्ट मागिले हाइकोर्ट डिसेंबर तीन में मामलार परवर्ती शुणी धार्य कर मामलें त्वरित शुणी और फास्टट्रैक विचार पर अपील करते पर दुई दिन पूर्व ममिता हत्या मामला हाइकोर्ट में पहुंचा निर्दिष्ट समय भितर तदंत शेष करने को आवेदन करते परिवार सदस्य गृह सचिव डीजीपी बलांगीर जिलापा और एसपी को पक्षभुक्त आवेदन करसधेकेला आईएसी को पक्षभुक्त करने को आवेदन करते ममिता पर इन्वेस्टिगेशन चली सब ठीक चली कि इन्वेस्टिगेशन टा जिते शीघ्र सरीगले बहुत भल हम जेहेतु से माने माने जो प्रतिदिन उपरे चर्चा चली विचार चली सब विषय विभिन्न प्रकार मत चली मतामत चली विभिन्न कमेंट चली सब जिनसर अंत घटव तार पूर्णच्छेद कटिबो यह जिते दिन इन्वेस्टिगेशन जिते डेरी तांकर माने प्राइवेट लाइफटा पूरा दुर्विपाक हो गला बचाप सबुब सब जिनस समस्त ये कमेंट कर इंटरफेयर कर तेणुक यथाशीघ्र इन्वेस्टिगेशन टा सारीदे यहाँ भल एवं यह लॉ अच्छी क्रिम जो सीरीयस अफेन्स ये थाए से किसी डिले नक जिते शीघ्र यहाँ समाप्ति हवा दरकार रिपोर्ट दाखल होगा दरकार ममिता हत्या मामलें बरसिले लेखाश्री सामंत सिंघार कहले मंत्री दिव्यशंकर काहीकि एक दिन लुचिते के बारिपदार काहीकि मंच में बसिले ना दिव्यशंकर डीआईजी क्यों अधिकार बल में कहले जे मंत्री भूमिका ना तदंत आधार में कोर्ट निष्पत्ति ने किए दोषी नुहे दिव्यशंकर गृह विभाग मंत्री से केमी निजक क्लीन चिट देते मंत्री इस्तफा दे तदंत ठिक रहीपर मंत्री निर्देश में तदंत करा तथ्य प्रमाण नष्ट घटना दिन के गाँ थाना काहीकि एफआईआर रखागलानी मुख्य अभियुक्त गोविंद साहूर उपस्थित एफआईआर लिखा जाता लेखाश्री चालीस फुट खाई भितर गात करी ताकु पोतागला कौटी पुणी गात करागला जो स्कूल रे से पाठ पढ़ाऊला जो स्कूल मो स्कूल अंतर्गत स्टेडियम जो तैयारी होता एवं जेसीबी लगे किरी खोला है किरी सेठी ताकु पोता गला कौन पाई कि ये जघन्य कांड करा गला जेते बड़े ओडिशा आगु को जीवार स्वप्न समस्ते देखुचंती ओडिया युवक युवती माने किछि जीवन रे करिवा पाई कि चाहुचंती भलो पाठ पढ़ी किरी उच्चा आकांक्षा रखी किरी बाहरे चाकरी करिबा कर्ममय जीवन जापन करिबा स्वावलंबी होबा एर स्वप्न देखुचंती गोटे निरीह झियो को मेहर संप्रदायर
झियो को एभली निर्मम हत्याकांड किए कला काहिंकी कला ये प्रश्न 4.5 कोटी ओडिया पचारुथिबा बेले राज्यर गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्रंकर ना तांका भूमिका एतरे स्पष्ट बारी भी होची आउ स्पष्ट भावरे सामना को भी आसीची किंतु एते दिन अतिबाहित हेला परे एबे निजो को निजे क्लीन चिट दबा को बाहरिले मंत्री दिव्यशंकर बोधे सबो तथ्य प्रमाण नष्ट करचंती बोली एबे तांको मनरे विश्वास आसिला जे आउ कोठी तथ्य प्रमाण नाही विरोधी बा गणमाध्यम आउ आमुको कही परिबे नाही तणो एबे मो बाहरिकरी मोर सफेई मोर क्लीन चिट देबी एमती गोटे ममिता मेहर को न्याय दाबी रे भुवनेश्वर जिला बीजेपी जुब मोर्चार दस्तखत अफिचार मंत्री दिव्यशंकर मिश्र को बहिष्कार सह सीबीआई तदंत दाबी रे अफिचार बरमुंडा बस स्टाण में दस्तखत अभियान माध्यम रे साधारण लोकों आंदोलन सह जोड़ा प्रयास दीर्घ दिन धरी विरोधी प्रतिवाद करुले भी सरकार शुणु नथिबारु एबे प्रतिवाद और आंदोलन में साधारण लोक और बुद्धिजीवी को सामिल करने को यह अभियान आयोजन कुबेर सरकारी बाबू को दिगला बाध्यतामूलक अवसर दुर्नीति अभियोग पूर्व निलंबित होता ओपीएचडब्ल्यूसी पूर्वतन डेप्यूटी मैनेजर प्रताप सामल को एवं दिखाई बाध्यतामूलक अवसर विड़ा विड़ा टंका मालमाल प्लॉट आखि खोसला बिल्डिंग व आपार्टमेंट जबत होगापर विजिलेंस द्वारा गिरफ्त हो बाबू एवं जेल अच्छा प्रताप निकट 14,87,00,000 आय बहिर्भूत संपत्ति ठाप हो आय ठार 1,087 गुण अधिक संपत्ति ठाप कर आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग में विजिलेंस गिरफ्त करता तेरे प्रताप सामल और तांको पत्नी ना मामला रुजु कर विजिलेंस पानी रास्ता अवरोध पानी शेष में हांडी माठिया थरी रास्ता अवरोध कले ग्रामवासी एफसीआई छक सालुंके होटल निकटस्थ 156 नंबर जातीय राजपथ को अवरोध कर फुलवाणी अरविंद नगर कॉलोनी वासी फलरे फुलवाणी भुवनेश्वर को यातायात बाधाप्राप्त हो गांव को नियमित भाव पानी आसुने दिने आसिले चारिदिन बंद रहुचे तेणु नियमित जल जोगाण दावी करवासी अनेपटे खबर पाई टाउन थाना पुलिस सहरांचल जनस्वास्थ्य विभाग जंत्री तहसीलदार घटनास्थल में पहुंची लोकों को बुझासुझा कर पाइप रे पानी दिने होले छाड़ले नहीं रास्ता लगे गलु कंप्लेन देलु रास्ता कले नहीं गलीटा रही बहुत अन्याय हो गली लाइट दिए बनलो लाइट देले नहीं रास्ता आइला नहीं पानी टिके पाऊ नहीं स्कूल नलकूर साहय नौलु पानी टिके खाऊ दीदी मैंने मना करदे एवं गाधेवाक जाऊ ना को छा अच्छी सियाड़े गाड़ी धोला सर्विस सेटर पा सेराक गाधेलु हेनर खाली जाऊँ कौन किरोसिन पा सेराक गाधेलु दिन थर गलु कंप्लेन देलु कि हले सुनले नै आज बाध्य होय करे छकिचो आमे आम जे पानी हमर सफिशिएंट आसबो इने लाइट लागबो रास्ता हबो एतकी आमे धबा जाको नहले छाड़बो नै आज पिला मानन को जौन शोषण रु रक्षा करबा पाई सुप्रीम कोर्ट एक गुरुत्वपूर्ण सुनानी करै छते केवल प्रत्यक्ष शारीरिक स्पर्श को पोक्सो आईन रो जौन उत्पीड़न भाबे विवेचना करा जेबा उचित बोली बॉम्बे हाई कोर्ट देथिबा राय को आज सुप्रीम कोर्ट आग्रह कर दे छते वस्त्र आवृत थी दैहिक संपर्क उद्देश्य रखी कर स्पर्शर संज्ञा पक्षर वर्णना करर्थ को कदर्थ कर अदालत मात्राधिक ईर्षान्वित होगा अनुचित आईन व्यवस्था को प्रतिहत कर संकीर्ण आक्षरिक अनुवाद व अर्थ को ग्रहणीय नुहे विचारपति यूयू ललित एस ए रवींद्र भट्ट और वेला त्रिवेदी को नहीं गठित खंडपीठ कहले सीधासलख शारीरिक स्पर्श व देहरे देह बाजवा ही प्रकृत स्पर्श बोली विवेचना कले तहार अर्थ केवल संकीर्ण तथा मंद अर्थ को बुझाऊ जौन उत्पीड़न पिलावन को सुरक्षित रखापी प्रणीत पक्ष आईन उद्देश्य को नष्ट कर सत्यवादी साक्षी गोपाल स्टेट बैंक रे अग्निकाण्ड आज सका समय हठात बैंक रे निया लगी बैंक भितर रोसे घर निया लगी जमापड़े तेज साक्षी गोपाल अग्निशम बाहन घटनास्थल में पहुंचे निया को आयत्त करिछन्ति
अग्निकाण्डरे दुई जण ब्यांक कर्मचारी आहत होती अनेक गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र पोड़ नष्ट हो जाइथिबा सूचना मिलिछि। जो कैंटीन अच्छी से कैंटीन रो गैस सिलिंडर कौन प्रकार बोधे से असुविधा थिला सेटा हटात तार कैपटा उठीगला आते कुक बॉय निया लगे गला से साथ मानते गैस टांगी निया लगला गैस टांगी फाटिगला पूरा तो सही समय ब्रांच जस्ट आरंभ होता है किसी लोक ब्रांच भितर था स्टाफ मैंने समस्ते निज निजर सीट रे काम करने आरंभ कर देते लिकेज होया लगी जहाँ आम ठीक समय आसिक पहुँचिकी कंट्रोल करदेलु सी गोटे एक्सटेंशन मारू प्लस पा पक कंट्रोल करूँ जहाँ फल गोटे बड़ दुर्घटना टीगला तेणु कौन लोक भी इंजोर्ड होना विशेष समस्त सुरक्षित भाव में बाहरी आसती बैंक भितर चा कर बैंक कर्मचारी जहाँ कह कथा जो चा बसे सिलिंडर ना सिलिंडर फाटी ना सिलिंडर लिकेज होता तार जो रेगुलेटर पाखु से सीरीज होता दुईटा लाइन बिंग करते चलने चूला जो सीरीज गोटे खसी जाइए जहाँ फल क्षय क्षति तर केवल सी गोटे डाइनिंग टेबुल क्षय क्षति होती प्लस फ्रिजटा से भितर था क्षय क्षति ना ना कौन कर्मचारी आदाय ना बरकट अभिनव प्रतिभा संस्कार काठ जोगाइबा दाबी में मृतदेह रखी धारणा देले लोके शवदाह बरगड़ सहर में काठ अभाव देखाई फल शवदाह लोकंकु हटहटाइबा पड़ुछे एने बारंबार स्थानीय वनखंड अधिकारी एवं अन्य विभागीय कर्मचारी बारंबार अवगत कले सुधा कौनसी पदक्षेप निया फल असंतोष बढ़े चली तेणु शुक्रवार बरगड़ स्वेच्छासेवी अनुष्ठान स्वेच्छासेवी मैंने एक अजणा मृतदेह रखी डीएफओ ऑफिस रे धारणा देते अजणा लोकों शवदाह मागणारे काठ जोगाइ देबा पई से माने दाबी करिछन्ते। मीटर रीडिंग कर्मचारी धारणा आनंदपुर उपखंडरे विद्युत विभाग अधीन ठिका संस्थार मीटर रीडिंग काम करुथिबा कर्मचारी माने आनंदपुर विद्युत विभाग कार्यालय सम्मुखरे धारणा देइछन्ते। अभियोग अनुजाई सेप्टेम्बर मासरे नियुक्ति समय 12,000 दरमा कहुवा बेले एवं मात्र 3,000 दि जाउछि ईपीएफ बाबत को 38% काटि दि जाउछि तेणु स्वल्प दरमा चलिबा मुस्किल हो पड़ी समस्या समाधान पर बाध्य कर्मचारी माने आनंदपुर विद्युत विभाग अधीक्षण जंत्री कार्यालय सम्मुखरे धारणा देते जदि आगामी दिन में समस्या समाधान न हुए तेज से कार्य बंद आंदोलन पर चेतावनी अज्ञा आज धारणा बस कारण है आम जो टाटा पावर से जो आकांक्षा पावर को एजेन्सी देखिए मीटर रीडर बिल कलेक्शन करने आज्ञा आम जो मीटर रीडर बिल कलेक्शन करने आमको दे आज्ञा जो आपॉइंटमेंट लेटर देते 12,500 दरमा दे आमको कही कि मैसे कम कालापर आमको दौर 2500-3000 टाँग दरमा दूसरी आजिकल बजार 2500-3000 टाँग चलिया बहुत कष्टर तेनालीर आम ईपीएफ ये बाबद 38% काटि नौ जोटा कि सरकार नियम ना से बेनियम भाव में काटू आम दाबी रोज आमको सालरी 12,000 टाँग दि जाऊ सर्वन मजूरी आम दाबी आम आज आंदोलन में बसीचु जे कि टाटा कंपनी तार ऑफर लेटर छाड़ी आमको 12,500 टाँचा आमको सालरी दबो किंतु 12,500 परिवर्त आम पाच 2,077 टाँचा कौ मीटर भाई मैंने पाँच 1875 टाँचा आमर दाबी रोचे आम सरकार हक न्याज आम पाइबापी जो टाटा कंपनी आमको अफर लेटर 12,500 छाड़ी से 12,500 आमको दि जाऊ क्षतिपूरण दाबी में अभिनव प्रतिवाद गजिया धान धरी जिलापालों कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ अदिनिया वर्षा बुड़गला चाष जमी नयगढ़ जिला खैरपटी गाँव एकर एकर चाष जमी पा बुड़ रही फल बिहन पचि जा जार प्रतिवाद में चाषी मैंने धारणा देते नष्ट हो जाइथिबा फसल धरी चाषी माने जिलापालों कार्यालय सम्मुखें धारणा देते धान सब पानी रे पांच एकर धान पूरा भासुची पूरा गोटा उदा सर सर सब चेर लगेगला धान गजा हो पूरा आठिक गलु इग्री कलेज गलुजे इग्री कलेज बेला कहले कलेक्टर पाक जाओ कलेक्टर पाक आसला कौन सी कहते जाओ इग्री कलेज जाओ आ मुझ फोन करदे कौन करूँ पांच एकर जमी पूरा भासुची पाने से सब गजा आनी भाग चाष गुरे निज जमी गुरा सब भासुची दबू कौटू भाग जो मानू चाष कर सी बर्तमान मागुँ आमको धान दिए आम दबू कौटू सरकार सीना आमको देने आम दबू आम जो कहते हल मारिकी जो कहते भड़ा देखिए कम कर सब सब जुड़ू आम कई दबार ना दब आमको दब किए सब दि आम ये अभियोग कर धरिक आसलु सी कहते गिरी कलेज जाओ गिरी कलेज उठे नहीं उठी आसलू एटिकी आसलू कलेक्टर अफिस ये ना करूँ
ଇଏ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଜଗିରି କଲେଜ ସରକାର ପାଖକୁ ଆସିଛୁ, ସିଏ ଯାହା କରିବେ ଆଉ ମାରିବେ ଯଦି ମାରିବେ ନହେଲେ ବଞ୍ଚେଇବେ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବେ, ସିଏ ଯାହା କରିବେ। ଆମର ତ ସବୁ ଗଲା ନା, ସବୁ ଧୋଇରେ ଭାସିଲା, ସବୁ ପାଞ୍ଚ ଏକର ସବୁ ଜମି କବିଟା। ବଢ଼ିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଡୁଆ। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପେକ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁହାଁ, ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାତିଲ କରି ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପିକ ସମବାୟ ବିଭାଗର ଏଚ୍ଆର୍ ପଲିସିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ଓ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ହିସାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ସଂଘ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ବଦମାସି କରୁଛନ୍, ଚୋରି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉଛେ ବୋଲି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଆଣିଲେ ଆଉ ସୋସାଇଟିକୁ ପୁରା ବଦନାମ କରିଦେଲେ, ଯେନ୍ତା ବାକି ସବୁନ ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଏବେ ଆପଣ ନିକଟରେ ଦେଖିଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଥିରେ ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍, ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍, ଖାଉଟି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଥାଇକିରି ସେନ କେନ୍ତା କରି ଆଟ ଧନୀ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକି ଆଣି ପକାଲେ। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଭାଗ ମିଶିକିରି ଯେନ୍ ଘୋଟାଲା କରୁଛନ୍, ଆର୍ ସମବାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍, ଏଇନ ସମ୍ପାଦକ ଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହାକୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରି ହେଉଥିଲା, କାରଣ କେନ୍ଦୁଝର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାନଯାଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ରେ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ କରିହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ପ୍ରତି ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବିଧାୟକ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବି ସଭା ମନା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୋହନ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସଫେଇ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ଜମକିରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହତା ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ଡ଼ା ଖମଣରେ ବଜରଙ୍ଗୀ ୟୁଥ କ୍ଲବ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ପୋଖରୀ ତଥା ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ସଫେଇ କରାଯାଇଛି। ଗାଁ ପୋଖରୀ ସଫେଇ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ୟୁଥ କ୍ଲବ ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ପୋଖରୀ ସଫେଇ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରେ ସୋଲାର ପାଣିପମ୍ପ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ନିମ୍ନମାନର ସୋଲାର ପାଣିପମ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭଠାରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟିଆ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତିର ସୀମା, ଏଠି ଟପିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖରାଦିନେ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଛି, ସିନ୍ଦୁରିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଉଁଶପଡ଼ା, ଇଟାମାଟି, ଲାଠିପଡ଼ା, ଗମ୍ଭାଡ଼ି, ଇକିରି, ବିରୁଡ଼ା, ଶଙ୍କେଇ, ନୋତର, ବେଗୁନିଆପାଟଣା, ମାନ୍ଧତାପୁର, ଖୁଣ୍ଟୁବନ୍ଧ, ଭାଟସାହି, ଏଇ ବାଲୁଗାଁ, ସର୍ଦ୍ଧାପୁର, ଗିରିଦାସପୁର, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଢହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଏଠି ସୋଲାର ପାଣିପମ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତକୁ 2,80,000 ଲେଖାଏଁ ଅନୁଦାନ ଦେଲେ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।